हेलो गाइस, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट इस टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए। इस वीडियो में हम नए 2021 के बजट में ओपीसी में कौन कौन से रूल चेंज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले ओपीसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 6 मंथ के लिए इंडियन रेजिडेंस होना ज़रूरी था। इसे नए बजट में संशोधन के बाद इसे 4 मंथ कर दिया गया है। दूसरा है कि नए बजट से पहले कोई NRI ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता था, लेकिन अब NRI भी ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकता है। तीसरा, इसके अंदर संशोधन किया गया है कि ओपीसी स्टार्ट करने के बाद या तो 2 साल या कंपनी का टर्न ओवर अगर 2 करोड़ हो जाए तो उसे प्राइवेट लिमिटेड में चेंज करना ज़रूरी था, लेकिन नए बजट के अनुसार अब ओपीसी चाहे तो ही उसे चेंज करे, इसका पूरा राइट अब ओपीसी के पास है। चौथा पॉइंट ये है कि एक ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में चेंज करने के लिए या तो उस कंपनी के 2 साल कंप्लीट होने चाहिए या उसका टर्न ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब नए बजट के अनुसार ओपीसी जब भी चाहे अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में चेंज कर सकती है, इसका पूरा राइट ओपीसी कंपनी को ही है। तो ये कुछ नए रूल थे बजट में ओपीसी कंपनी 1% कंपनी को इंक्रीजमेंट के लिए, ताकि NRI भी इंडिया में इन्वेस्ट करे। और मैंने ओपीसी कंपनी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सारे कंप्लाइंसेंस डॉक्यूमेंट के बारे में बताए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछें या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाएँ मुझे फॉलो करें और आपका जो भी डाउट है आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।